का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नए ब्लॉग में। तो आज हम आपको बताएंगे बेड पर जो सोयाबीन लगी है JS 2172 और 2172 को हमने तीन अलग अलग खेतों में ट्रायल पे लिया है, तो इसकी क्या कंडीशन है और किस प्रकार से हमने तीनों ट्रायल में इसको देखा है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। देखिए, अगर बेड पर लगाएं तो ये सबसे बेस्ट पौधा मैं मान सकता हूँ। उसके बाद जो हल्का वाला पौधा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें अगर आपको देखा जाए अगर, तो इसमें 8 से 10 इंच के ऊपर से ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। वो तो अगर पौधा आपका स्वस्थ है तो नीचे से कुछ फ्लावरिंग या फिर पॉट निकाल सकता है, नहीं तो काफ़ी ऊपर से ही इसका पॉट सेट होना स्टार्ट होता है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें पूरी रुएदार फलियाँ हैं। अगर आप फलियों का साइज़ देखोगे, पॉट का अगर साइज़ देखोगे, तो इतना बड़ा पॉट का साइज़ बाकी आपको किसी भी वैरायटी में नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें जो फलियां हैं 2 दाने की हैं, 3 दाने की हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं है क्योंकि इसका जो सीड का साइज़ है काफ़ी बोल्ड है। इसके लिए इसका प्रोडक्शन बाकी वेराइटियों की अपेक्षा ज़्यादा आता है। तो क्योंकि काफ़ी ऐसी भी वेराइटियाँ हैं जिनको अगर देखा जाए तो इनका सीड का साइज़ काफ़ी छोटा रहता है, उसके बाद 2 दाने की फलियाँ रहती हैं, 1 दाने की फलियाँ रहती हैं, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मुझे ये वैरायटी तो काफ़ी बढ़िया लगी। और अगर तीन अलग अलग सेक्शन में हमने जो इस वैरायटी को लगाया है, अगर उसका रिजल्ट देखा जाए तो तीनों ही सेक्शन में ये जो वैरायटी है इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा। जैसे कि ये जो बेड पर लगी हुई है इसके साथ अगर देखा जाए, तो जो वैरायटी हमारी फ्लड पर लगी है इसके साथ जो हमारा इस वाला प्लाट है इधर वाला बेड की साइड उधर वाला, तो उसमें हमने 4 वेराइटी लगाई हैं, जिसमें कि 1135 है, 2218 है, उसके साथ में देखा जाए तो ब्लैक बोल्ड है और 2172 है। अभी तो वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। और अगर यहाँ की कंडीशन देखी जाए तो देखिए, मैं नीचे से आपको बेड से दिखा देता हूँ, तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो रो है, ये काफ़ी ज़्यादा इधर झुक गई है दोनों। तो बेड पर जो किनारे पर लगी हुई वैरायटी थी या फिर किनारे पर जो पौधे लगे हुए थे वो इस प्रकार से ढल गए, क्योंकि ये जो मिट्टी है काफ़ी मुलायम है और काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि ये जो मिट्टी है बेड पर अभी तक कठोर नहीं हुई है। अगर आप फ्लड पर देखोगे तो उस पर क्या है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कठोर हो जाती है, तो इस प्रकार से गिरने की थोड़ी सी समस्याएं रहती हैं अगर आप साइड से लगाते हो। और जब हम लगा रहे थे तब भी हमें कुछ किसानों ने कमेंट किया था कि अगर आप किनारे के साइड लगाओगे तो ये पूरी सोयाबीन गिर जाएगी, तो इसमें ये गिरने की थोड़ी समस्या तो आई है, लेकिन खैर उतना ज़्यादा उससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। और अगर इसे नीचे से भी देखा जाए तो ये पूरा आपको बेड से नीचे दिखा रहा हूँ, तो इसकी कंडीशन भी कुछ ऐसी है, दोनों ही जो रो हैं वो एक दूसरे से झुकी हुई हैं और आपस में मिल गई हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा जो डिस्टेंस है, ये नीचे वाला जो नाली वाला, ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इस डिस्टेंस को हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा कम करेंगे और ये जो बेड का साइज़ है ये ऊपर वाला, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जिसमें कि 3 लाइन कम से कम जो 3 लाइन है वो आ जाए अच्छी तरीके से। अभी अगर देखा जाए तो ये वाला जो साइज़ है बेड का ये बराबर है, उसके साथ जो नीचे वाला साइज़ है ये दोनों इक्वल इक्वल हैं, बराबर बराबर हैं, इसलिए ये कंडीशन ज़्यादा है। अगर इसमें बेड का साइज़ थोड़ा सा हम अगर ऊपर वाला बेड का साइज़ बढ़ाते हैं और ये जो नाली वाला साइज़ है इसको अगर कम करते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि जो लाइन से लाइन की जो दूरी है ये काफ़ी ज़्यादा गेप हो जाता है, जिससे कि पौधे ऊपर से आपस में मिल जाते हैं और अगर इसमें अगर इनको ज़्यादा दूरी पड़ती है तो फिर पौधे नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी सी नीचे जो लॉजिंग की समस्या है वैसे इस वेराइटी में आती नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ा सा झुक गया है पौधा। तो जो हमने सेडिल से लगाई थी उसमें इतनी ज़्यादा समस्या है नहीं, वैसे 2172 में उतनी ज़्यादा समस्या विशेष है नहीं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ और नीचे से पूरा बेड के नीचे से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है कंडीशन इसकी, ये देखिए नीचे से ये बेड की कंडीशन है। पूरा नीचे से देखोगे तो पूरा नज़ारा दिखेगा, फलियाँ ही फलियाँ पूरी दिखेंगी आपको ये, और थोड़ा सा झुका हुआ है आपस में।